إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين हर किस्म की हम्द व सना बड़ाई व किब्रियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है। बादहू बेश बहा दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अम्बियाए किराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। महतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशी प्यारी माएँ और बहनें, जिस महीने से हम और आप गुज़र रहे हैं, जो महीना हमारे सरों पर साया फगन है, बिलाशुबा ये माह मुहर्रम का महीना है। ये महीना जब भी आता है तो बेसाख्ता हमारे ज़हनो दिमाग के अंदर हिजरत मदीना की याद आ जाती है, और ये वो अहम और अजीम शान वाक़या है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा इकराम ने अपनी तारीख़ मुंतखब करने के लिए शुमार किया है। वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम की ज़िंदगियों में बेशुमार अहम वाक़यात थे, मगर उन सब के बावजूद अपनी तारीख़ शुमार करने के लिए हिजरत को उन्वान बनाना, हिजरत का इंतख़ाब करना, ये हिजरत की अहमियत, उसकी अफ़ादियत और उसकी फ़जीलत को वाज़े करता है। ये मुहर्रम जब भी आता है हमें इसके साथ बहुत सारी यादें आती रहती हैं। मुसलमानों की उन कमज़ोरियों की याद आती है जो हिजरत के बाद ख़त्म हो गई, कुफ़ार के उन जुल्मों सितम की याद आती है जिसका हिजरत के बाद ख़ात्मा हुआ, सहाबे किराम की बेशुमार कुर्बानियों की याद आती है, अंसार के ईसार की याद आती है, मुहाजिरीन के सब्र व इस्तक़लाल, अज़ीमत व इस्तक़ामत और जज्बे फ़िदायत की याद आती है। बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे हैं जो इस हिजरत के साथ हमें याद आते हैं। और ये हिजरत ये कोई सैर व तफरी नहीं थी, ये कोई पिकनिक नहीं था, ये कोई ऐसा सफ़र नहीं था कि टिकट खरीदो और पहुंच जाओ, ये कोई ऐसा सफ़र नहीं था कि जिसकी वजह से मुसलमान बहुत पुरुम्मीद नज़र आ रहे हों, उन्हें अपना मुस्तकबिल, उन्हें अपना फ्यूचर बहुत रोशन नज़र आ रहा हो। ये कोई ऐसा सफ़र नहीं था। और ऐश मक्का की ताकत पूरे अरब खौफ के अंदर मुसल्लम थी, वो उन्हें वहां पहुंचने के बाद भी चैन और सुकून से रहने देने वाले नहीं थे। और ऐसा हुआ भी, जिसकी वजह से कितने गज़वात हुए, कितनी जंगें लड़ी गई। मगर आपको मालूम है कि अल्लाह ने हक ही के लिए फतह और नुसरत को मुकद्दर कर दिया है। हक ही गालिबा करके रहेगा। कतब अल्लाह लअग़लिबन अना व रुसुली, अल्लाह ने इस बात को लिख दिया है कि मैं और मेरा रसूल गालिबा करके रहेंगे। जिनको जो दाव चलनी हो चलें, जिनको जो मक्र करना हो करें, जिनको जो फरेब देना हो दें, जिनको जितनी आजमाइशें करनी हो कर लें, जितनी साजिशें रचनी हो रच लें। कतब अल्लाह ने यह लिख दिया है कि मेरा रसूल ही गालिबा करके रहेगा। मैं और मेरा रसूल यही दोनों गालिबा करके, यही दोनों सुरखरू होंगे। कुफार मक्का मुसलमानों पर जुल्म, जबर और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ रहे थे और उन्हें हिजरत भी आसानी से करने नहीं दे रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मर्तबा हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया तो पहली हिजरत भी आसान नहीं थी। दूसरी मर्तबा हबशा की तरफ आपने हुक्म दिया हिजरत करने का, वो हिजरत भी आसान नहीं थी। और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों की हिजरत गाह ख्वाब के अंदर दिखाई गई, जिसका आपने बाद में तस्करा भी किया कि दो काली पहाड़ियों के दरमियान एक नखलिस्तान है जो मुसलमानों की हिजरत की जगह है, और वो क्या है? मदीनतुल मनोवरा, जिसको पुराने जमाने में क्या कहा जाता था? माशाअल्लाह, यथ्रिब, वो जगह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जहां मुसलमानों को जाने का, हिजरत करने का हुक्म दिया। एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके सहाबे कराम निकल रहे हैं, मक्का छोड़ करके, अपने घर बार को छोड़ करके, अपने वतन को छोड़ करके, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, अपने तिजारत और बिजनेस सारी चीजों को छोड़ करके, अल्लाह के हुक्म पर मक्का छोड़ के मदीना जा रहे हैं। यह हिजरत भी आसान नहीं थी। हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका एक छोटा सा खानदान, छोटा सा परिवार जो 3 अफराद पर मुश्तमिल। हजरत अबू सलमा, उनकी अहलिया और उनका एक शीरखार बच्चा, छोटा बच्चा लेकर के निकल रहे हैं। ससुराल वाले आ गए, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मदीना जा रहे हैं। कहा ये हमारी लड़की है, इसको तुम लेकर के नहीं जा सकते। खानदान वाले आ गए, कहा यह हमारा पोता, यह हमारे खानदान की निशानी है, इसको तुम लेकर के नहीं जा सकते। कहा ले जाओ। बीवी चली गई, बेटा चला गया, और फिर ससुराल वाले और खानदान वालों में भी आपस में खींचतान होने लगी। माँ कह रही है बच्चा मेरे पास रहेगा, खानदान वाले कह रहे हैं मेरे पास रहेगा, और उस बच्चे को खींचतान में उस मासूम बच्चे का हाथ उखड़ गया। जो अंदाजा कीजिए आप, छोटा सा परिवार 3 धड़ों में तकसीम हो गया। बीवी कहीं है, बच्चा कहीं है, शौहर कहीं जा रहा है। मगर इन सब के बावजूद उन्होंने अल्लाह के रसूल के हुक्म पर अमल किया और अपने उन तमाम चीजों को छोड़ छाड़ करके मदीना पहुंच गए। और हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस गम और उस जुदाई को बर्दाश्त न कर सकी। मुसलसल 2-4-10 दिन नहीं, मुसलसल 1 साल तक उस जगह आकर के जहां पर उनको उनके शौहर से जुदा कर दिया गया, उनके मासूम बच्चे को जुदा कर दिया गया उनसे, उस जगह पर आ करके मुसलसल 1 साल तक आती और रोती और शाम तक रोती रहती थी। बिलाखिर एक शख्स को तरस आ गया और उसने जाकर के कहा कि तुम एक मजबूर औरत पर क्यों जुल्म कर रहे हो, क्यों उसको परेशान कर रहे हो? उसके शौहर को उससे जुदा कर दिया, उसके शीरखार बच्चे को तुमने छीन लिया है। फिर कुछ सूझबूझ के लोग आगे आए। इसका मतलब यह है जब मामला बिगड़ जाए, कोई बात गड़बड़ हो जाए, खराब हो जाए, तो जो सूझबूझ के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। कुछ सूझबूझ के लोग आगे आए और उन्होंने तरफेन से, दोनों तरफ जाकर के मामले को हल करने की कोशिश की कि क्यों बेचारी एक औरत को तुमने परेशान करके रखा हुआ है। बिलाखिर उस बच्चा उनके हवाले किया गया और उनको मदीना जाने की इजाजत दे दी गई। यह औरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तने छेड़छाड़ बच्चे को लेकर के मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ ऊबड़ खाबड़ सहराई और खौफनाक और दहशतनाक रास्ते से तरह तरह सफर कर रही है। आजकल रास्ते बहुत पुरअमन हैं, सवारियां मौजूद हैं, मगर उस जमाने में पहाड़ और पथरीली इलाके हैं, ऊबड़ खाबड़, ऊंच नीच। एक औरत तकरीबन 450 किलोमीटर का फासला है और उस सहराई सफर को एक औरत तन्हा सफर कर रही है। अरब के अंदर जहां बहुत सारी बुराइयां थी, वहीं उनके अंदर कुछ खूबियां भी थी। वो बहुत अमानतदार भी हुआ करते थे, जबान के पक्के होते थे, वादे के पक्के होते थे, मेहमान नवाजी किया करते थे। बहुत सी खूबियां थी उनके अंदर, जहां एक तरफ लोग सिर्फ बुराइयां ही बयान करते हैं जमाने जाहिलियत की, मगर उनके अंदर खूबियां भी थी। आज भी उनसे बड़ा कोई भी मेहमान नवाज नहीं हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, कोई बड़ा इतना बड़ा दानी नहीं हुआ जितना अरब के लोग जितना दान करते हैं, अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं। खूबियां थी, और इन्हीं खूबियों की वजह से अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस किया तो मुल्क अरब ही के अंदर मबूस किया। हजरत उस्मान बिन अबी तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये मालूम हुआ कि एक औरत तनहा सफर कर रही है, वो आगे आ गए और उन्होंने पूरे रास्ते उनका साथ दिया। उम्मे सलमा कहती है कि मैंने इस्लाम के अंदर, उस वक्त ये मुसलमान नहीं हुए थे, वो कहती है कि मैंने इस्लाम के अंदर अबू तलहा से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम किसी शख्स को मैंने नहीं देखा है। मुझे जब आराम करना होता वो सवारी को बिठाते और बिठा करके बहुत दूर चले जाया करते थे। फिर जब चलने का इरादा होता मैं सवारी पर बैठती और आकर के सवारी को खड़ा करते और लेके चलते थे। और फिर जब वो मुसलमान हुए, इस्लाम लाए, उससे पहले भी उसके बाद भी उन्होंने इस वाक़े को किसी से इसका तस्करा नहीं किया है। आज लोग छोटा मोटा कोई काम कर देते हैं, कोई एहसान कर देते हैं, कोई तो उसकी क्रेडिट अपने नाम लेने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा सफर, इतने दिनों और मशक्क़त भरा सफर, मगर उन्होंने इस वाक़े को न इस्लाम से पहले न इस्लाम के बाद किसी से तस्करा नहीं किया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह से अल्लाह के दीन की हिफाजत के खातिर, अल्लाह के दीन पर अमल करने की खातिर, अपने शौहर को हासिल करने की खातिर एक औरत ने किस तरह सहराई रास्तों को अबूर करते हुए सफर किया है। आज ऐसी औरतें हैं हमारे घरों के अंदर, हमारे समाज के अंदर, जो अल्लाह के दीन पर अमल करने का जज्बा रखती हैं। आज सारी आसाइशें हमारे पास मौजूद हैं, दौलत की रेल पेल है, हर तरह की जो है आसाइशें हमारे घरों के अंदर मौजूद हैं, मगर आज हमारी माँ और बहनों से 5 वक्त की नमाज नहीं अदा हो पाती है। अजान होते वक्त सीरियल बंद नहीं होता है। वॉल्यूम कम कर लेंगे, बंद नहीं होगा, आवाज जो है उसको कम कर लेंगे, मगर वो टीवी जो चल रही है स्क्रीन बंद नहीं होगी। ये हकाइक है आज हमारे माशरे के, और सोचने तबाही आ रही है, परेशानी आ रही है, मुसीबत है, बीमारियां हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अयाश बिन अबी रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हिशाम इब्न अबी अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, ये तीनों असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की प्लानिंग की, इरादा किया, तो इन्होंने तय किया, मक्का से बाहर एक जगह को मुतय्यन किया और कहा कि हम तीनों लोग यहाँ आकर के इकट्ठा होंगे और यहाँ से फिर मदीना की तरफ निकलेंगे। और ये भी कहा कि जो शख्स भी वक्त मुकर्रर पर इस मुतय्यन जगह पर न पहुंच सके तो समझ लेना, यह अंदाजा लगा लेना कि वो शायद किसी मुसीबत में फंस गया है, और बकिया लोग जो पहुंच गए होंगे वो वहां से सफर के लिए मदीना के लिए निकल जाएंगे। हजरत उमर बिन खत्ताब पहुंच गए, हजरत अयाश बिन अबी रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंच गए, हिशाम इब्न अबी अल-आस नहीं पहुंच सके, वो फंस गए। इन दोनों ने मदीना की तरफ चल दिए। हजरत अयाश इब्न अबी रबिया के घर वालों को पता चला कि बच्चा निकल चुका है, अल्लाह की राह में मदीना की तरफ हिजरत कर रहा है। घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिया पीछे पीछे। इस उम्मत का फिरौन कौन? फिरौन इस उम्मत का अबू जहल, जो मां की तरफ से भाई लगता था, वो और उसका एक साथी घुड़सवारी करने लगे, पीछे पीछे उसका पीछा करने लगे। बिलाखिर उस तक पहुंच गए। कहा, आए अयाश, तुम्हारी मां ने कसम खाई है कि जब तक वो तुम्हारा चेहरा ना देख लेगी वो बाल में, सर में कंघी नहीं करेगी और धूप से छांव में नहीं जाएगी। आपको मालूम है मक्का की गर्मी कैसी होती है, मक्का की धूप मालूम है कैसी होती है। कसम खाई है तुम्हारी माँ ने, जब तक वो तुम्हारा चेहरा ना देख ले वो सर में कंघी नहीं करेगी और धूप से छांव में नहीं जाएगी। लिहाजा तुम अपनी माँ की कसम चल करके पूरी कर दो। इस्लाम, जिस इस्लाम की तुम बात करते हो और जिस इस्लाम के लिए तुम सफर कर रहे हो, इस इस्लाम के अंदर माँ की अजमत और उसके तकद्दुस का इतना ख्याल रखा गया कि उसके कदमों के नीचे जन्नत बताई गई। उमर ने कहा कि ऐ आयाश, तुम इनके धोखे में नहीं आना, ये तुम्हें फरेब दे रहे हैं, तुम इनसे अपने दीन के मामले में फितने में मुब्तला मत होना। कहा उमर, नहीं, माँ का हवाला दे दिया है, माँ ने कसम खा रखी है, अब माँ की कसम को पूरा करने के लिए मुझे जाना होगा। बिलाखिर चल दिए वो। जब जाने लगे तो उमर ने कहा कि अय आयाश, ये लो मेरी ऊँटनी, अगर तुम रास्ते में इनसे किसी तरह की कोई मशकूक हरकत देखना तो ऊँटनी पर सवार होकर के फौरन निकल लेना। ऊँटनी लिए और चल दिए। रास्ते में कोई बात नहीं हुई। जब मक्का के करीब पहुंचे तो अबू जहल ने कहा कि ऐ आयाश, तुम्हारी ये ऊँटनी तो बड़ी सेहतमंद और मजबूत है और तुम इस पर तन्हा सफर कर रहे हो। हमारी ऊँटनी ये जरा सा कमजोर हो गई है, थक गई है, ऐसा क्यों नहीं करते तुम हमको अपने पीछे बिठा लेते। कहा आ जाओ, बैठ जाओ। बिठा लिया अपने पीछे। कुछ देर चलते रहे। कुछ देर के बाद अबू जहल ने उनको पीछे से जकड़ लिया और उनका साथी जो दूसरी ऊँटनी पर सवार था वो भी उतर करके आ गया। रस्सियों से बांध दिया और बांध करके मक्का के लेकर के गए और कहा क्या है मक्का वालों, सुनो, हम बेवकूफों के साथ ऐसा ही मामला करते हैं। बेवकूफ समझ रहे थे, जो मुसलमान हो गया, जो इस्लाम ले आया उसे बेवकूफ समझ रहे थे। हम बेवकूफों के साथ ऐसा ही मामला करते हैं। और फिर उन्हें ले जाकर के एक ऐसे घर के अंदर कैद कर दिया जिस घर की कोई छत नहीं थी। धूप से, बारिश से और इसी तरह से शबनम से, ओले से, बर्फ से वो परेशान हो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना हिजरत की तो आपने फरमाया कि कौन है जो अयाश इब्न अबी रबिया को जाकर के छुड़ा करके लेकर के आए। एक सहाबी फिर मदीना से गए और उनको किसी तरह से कूद ऊद करके उनको छुड़ा करके लेकर के आए। अर्ज करने का मतलब यह है कि हिजरत ये कोई मामूली सफर नहीं था, ये कोई सैर और तफरीह नहीं थी। कितनी मुश्किलात और कितनी परेशानियां सहाबा कराम ने इस इस्लाम की खातिर बर्दाश्त की हैं। और आज हम पैदाइशी मुसलमान हो गए हैं, समझ ये रहे हैं कि इस्लाम बड़ा आसान है। हमने क्या कुर्बानियां दी हैं इस्लाम के नाते, इस्लाम की खातिर हम कौन कौन सी कुर्बानियां दे रहे हैं। हमारे सहाबा कराम ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। इस तरह एक एक, दो दो, तीन तीन करके बेशतर सहाबे किराम मदीना पहुंच गए। मक्का में सिर्फ मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली और बाज दीगर कमजोर परेशान हाल मुसलमान बाकी रह गए, वरना अक्सर लोग मदीना पहुंच चुके थे। हजरत अबू बकर ने जब हिजरत करनी चाहिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अय अबू बकर, रुक जाओ, शायद मुझे भी अल्लाह की तरफ से हिजरत की इजाजत मिल जाए। यह सुनना था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दो ऊँटनियाँ खरीदी और उसे खरीद करके बबूल के पत्ते खिला खिला करके उस दिन के लिए तैयार करने लगे। इधर कुरैश मक्का और कुफ्फार मक्का की उलझने, उनकी बेचैनियां बढ़ती रही। वो देख रहे थे कि मक्का खाली हो रहा है, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे पड़ोसी सब छोड़ करके जा रहे हैं, मदीना भाग रहे हैं और वहां जाकर के उनकी एक अजीम, एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। उनको खतरा उनके ऊपर मंडराने लगा, उनकी तिजारत पर उनका बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो मक्का से शाम तिजारत किया करते थे और मदीना उनकी तिजारत के रास्ते में पड़ता था। पेट का मसला आ गया, रोजी का मसला आ गया, प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि कैसे इस मामले को, इस किस्से को कैसे खत्म कर दिया जाए, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। चुनांते तमाम अरबाब हल्लो अक्द ने, तमाम सरदारान कुरैश ने उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी वहां इकट्ठा हुए। क्या नाम था पार्लियामेंट का, किसी को नहीं? दारुन नदवा, माशाअल्लाह, दारुन नदवा के अंदर इकट्ठा हुए और ये कहा कि इस मुसीबत को क्या किया जाए जो हमारे ऊपर खड़ी है। सब ने कहा कि इस मुसीबत की जड़ और इसकी बुनियाद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको खत्म करके ही इस मुसीबत से छुटकारा पाया जा सकता है। एक राय पेश की गई, मशवरागाह थी दारुन नदवा उनका, एक राय पेश की गई कि इनको एक अड़ियल घोड़े पर बिठा करके यहां से निकाल दिया जाए। ये जहां कहीं भी जाएं, दुनिया के जिस कोने में भी पहुंच जाएंगे, कम से कम हम लोग तो निजात पा जाएंगे, हम लोग तो महफूज हो जाएंगे। ये जो भाई भाई के दरमियान तफरका हो रहा है, ये जो बीवी और शौहर के दरमियान जुदाई हो रही है, ये जो माँ और उसके बच्चे से दूर किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, ये तफरका, ये जुदाई, तो इससे तो कम से कम हमारा खानदान टूटने से तो बच जाएगा। मगर ये राय पसंद नहीं की गई और इस राय पर तबसरा किया गया, इस राय पर जवाब दिया गया कि तुम मोहम्मद को नहीं देखते, तुम मोहम्मद के अखलाक को नहीं जानते, तुम मोहम्मद के जबान की तासीर नहीं जानते। वो जहां कहीं भी जाएंगे लोग उनके गिरविदा हो जाएंगे, लोग उनके मानने वाले हो जाएंगे, लोग उनके दीन पर अमल करने वाले बन जाएंगे, जहां कहीं भी जाएंगे। और जा करके अपनी एक ताकत बना लेंगे, एक जमात बना लेंगे और फिर आकर के हमारे ऊपर हल्ला बोल देंगे, हमला कर देंगे हमारे ऊपर। ये राय रिजेक्ट कर दी गई। दूसरी राय पेश की गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रस्सियों से बांध कर, हथकड़ियां पहनाकर, बेड़ियां डालकर इनको किसी घर के अंदर कैद कर दिया जाए, जहां भूखे प्यासे रह करके ये खुद हलाक हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, कैसी कैसी साजिशें की जा रही हैं, कैसे कैसे मकर और फरेब किए जा रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस राय को भी रिजेक्ट कर दिया गया, पसंद ये राय भी पसंद नहीं की गई। और इस राय का जवाब ये दिया गया कि तुम मोहम्मद के सहाबा को नहीं जानते। अरे क्या तुमने बिलाल हबशी को नहीं देखा, तुमने खब्बाब बिन अरत को नहीं देखा, तुमने बहुत सारे सहाबे, कौन कौन सी तकलीफें थी जो तुमने उनको नहीं दी। मगर उन्होंने क्या कहा, पलटा अपने दीन से। वो तमाम के तमाम लोग अपने दीन से मुनहरिफ नहीं हुए। जो जान चाहो तो जान ले लो, जो माल चाहो तो माल ले लो, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का चाहो जलाल दे दें, नबी के पैरों में कांटा चुभने नहीं देंगे। नबी के सहाबा ऐसे हैं। तुम कैद करने की बात करते हो, जहां कहीं भी तुम इन्हें कैद करोगे, नबी के सहाबा ऐसे दीवाने हैं कि उनको वहां से छुड़ा करके लेकर के चले आएंगे और तुम्हारे खिलाफ उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा, तुम मजीद टेंशन में पड़ जाओगे। ये राय भी रिजेक्ट कर दी गई। बाज रिवायतों में आता है कि एक शैतान इबलीस एक नजदी शेख की सूरत में उनके पास आ गया, वही इन तमाम रायों को रिजेक्ट कर रहा था। बाज लोग इस वाक़े को बयान करके, अगर इस वाक़े को सही भी मान लिया जाए, इस वाक़े को बयान करके बाज लोग मजे लेते हैं, चुटकियां लेते हैं। अगर सही भी मान लिया जाए इस वाक़े को, तो शैतान ने नजदी शेख की सूरत क्यों अपनाई? जाहिर सी बात है कि पूरे नजदियों की अरब के अंदर ही इज्जत मुसल्लम थी, उनकी बात मानी जाती थी, तभी शैतान ने उनकी सूरत जो है बना करके आया, ताकि उसकी बात मानी जाए, उसकी राय को अहमियत दी जाए। और आज भी अरब के अंदर नजदियों की जो अहमियत है, उनकी इज्जत है, वो मुसल्लम है। शैतान भी, इबलीस, हमारे बाप हजरत आदम को उनका हमदर्द बनकर के बहकाया था कि अगर तुम ये दरख्त का फल खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे। तुम जुमा जुमा 8 दिन के हो, तुम्हें क्या मालूम? अल्लाह ने जो जन्नत का जो फल खाने से मना किया, इसी वजह से कि अगर तुम नहीं खाओगे तो यहाँ से निकाल दिए जाओगे, खा लोगे तो हमेशा रहोगे जन्नत के अंदर। और हमदर्द बनकर के बहकाया और बहक गए और खा लिया, निकाल दिए गए जन्नत से। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि दूसरी राय भी रिजेक्ट कर दी गई। इस उम्मत के फिरौन अबू जहल ने, जो इस सबसे बड़ा बदबख्त और सहाबे किराम की दुश्मनी में सबसे आगे आगे रहता था, उसने एक राय पेश की कहा ऐसा क्यों ना किया जाए, हर हर कबीले से, हर हर खानदान से एक बांका और मजबूत हट्टा कट्टा नौजवान मुंतखब किया जाए और सारे के सारे नौजवान मिल करके एक साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करें, तलवार ऐसे मारे जैसे किसी एक शख्स ने तलवार मारी हो, और इस तरह उनका खून तमाम कबीलों में तमाम खानदानों में बट जाएगा। और फिर बनु हाशिम हर कबीले से किसास खून का बदला खून नहीं ले सकेंगे, इसलिए कि एक नौजवान के बदले तमाम कबीले के नौजवान को कैसे कत्ल किया जा सकता है। इस तरह वो दियत लेने पर आमादा हो जाएंगे और हम आसानी से दियत दे देंगे, हमारा काम भी खत्म हो जाएगा। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूक औ यक़्तुलूक औ युख़्रिजूक वयमकुरून। नबी, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करो उस दिन को, उस वक्त को याद करो जब काफिर चाल चल रहे थे, तुम्हें रस्सियों से बांध दें, तुम्हें कत्ल कर दें, तुम्हें शहर से निकाल दें। वयमकुरून, वो अपनी चाल चल रहे थे, वयमकुरुल्लाह, अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतर तदबीर होती है। बसा औकात इंसान एक बात सोचता है, कोई काम सोचता है, मगर उसको उल्टा होता है, अल्लाह कुछ और सोच रहा होता है। आदमी सोचता है ये तो मैं अच्छा ही सोच रहा हूं, लेकिन इसके उल्टा क्यों हो रहा है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है। फिरौन और उसकी कौम को देखिए आप, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखें, मूसा अपनी कौम को लेकर के निकल रहे हैं, सामने दरिया है, पीछे फिरौन का लश्कर है। मूसा की कौम घबरा गई, ऐ मूसा मूसा, तुम्हारे आने से पहले भी हम मुसीबत में थे, तुम्हारे आने के बाद भी हम मुसीबत में, कुछ करो। मूसा ने क्या कहा, कल्ला इन्ना माई रब्बी सयहदीन, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, वो हमें रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, मूसा अपनी लाठी को समंदर पर दरिया पे मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पे मारा, एक रास्ते नहीं 12 के, फनफजरत मिन हुस्नता अशर, 12 रास्ते पैदा हो गए। अल्लाह ने 12 रास्ते दे दिए, एक रास्ता अल्लाह दे देता, लेकिन नहीं, 12 कबीले थे उनके, हर कबीला अपने अपने रास्ते से जाएगा। एक रास्ते पे जाएंगे तो भगदड़ मच जाएगी, इसलिए 12 रास्ते अल्लाह ने पैदा कर दिए। जब समंदर के उस पार पहुंच गए, अब देखो मूसा क्या सोच रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा अब तो हम समंदर के इस पार आ गए हैं, फिरौन उसका लश्कर उस पार है, लाओ लाठी को फिर से मारे ताकि समंदर मिल जाए, जो रास्ता अल्लाह ने बनाया ये रास्ता खत्म हो जाए, बंद हो जाए। मूसा की बात हिकमत पर मबनी थी कि नहीं, अच्छी सोच सोच रहे थे कि नहीं, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, वतुरकिल बहरा रहवा, मूसा समंदर को खुश्क रहने दो, छोड़ दो समंदर को उसी हालत पर, तुम नहीं जानते, तुम अपनी चाल चल रहे हो। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह अपनी चाल चल रहा है, अपनी तदबीर कर रहा है, तुम्हें क्या मालूम हमारा इरादा क्या है। और फिर नतीजा क्या हुआ, फिरौन ने जब यह तमाशा देखा कि मूसा के कौम निकल गई आगे, कहा हम भी चलते हैं, खरामा खरामा पहुंच करके बताते हैं इनको। जैसे ही उस खुश्क रास्ते पर जो समंदर के दरमियान था, जैसे ही बीच बीच पहुंचे, अल्लाह ने मिला दिया पानी को और वहीं पर खत्म हो गए। सारी खुदाइयत, सारी फिरौनियत वहीं पर खत्म हो गई। तो अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था, मूसा चाह रहे थे, मूसा की बात अच्छी थी, उनकी सोच अच्छी थी, मगर वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने की बात कही जा रही है। जब आपके ऊपर पहली वही आई, नासिल हुई, आप खराब, वो लंबी तफसील है, आप हजरत खदीजा के पास आए, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहाँ लेकर के गई आपको, वर्का बिन नौफल के पास। उन्होंने क्या कहा, वर्का बिन नौफल ने कहा कि जो तालीम आप लेकर के आए हैं, जो मिशन और जो दावत, जो पैगाम आप पेश कर रहे हैं, जिस नबी ने भी, जिस किसी ने भी ये दावत पेश की है, उसकी कौम ने उसको निकाल करके बाहर कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैरान, बड़े मुताज्जिब हो गए, मेरी कौम मुझे निकालेगी, मेरी कौम मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, मेरी इतनी इज्जत करती है, मुझे सादिक और अमीन कहती है, मुझे निकालेगी मेरी कौम। हाँ, जिस किसी ने भी हक की तरफ बुलाया है, हक की दावत दी है, सच्चाई के रास्ता दिखाया है, उनकी कौम ने उनको निकाल करके बाहर कर दिया है। आप इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखिए, निकाल दिए गए घर से। मूसा अलैहिस्सलाम रातों रात निकल गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम कौम से रातों रात निकल गए। आप अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख उठा करके देखिए, कोई भी ऐसा नबी, हजरत यूनुस गुस्सा होकर के निकल गए रातों रात। कोई भी नबी जिसने हमें हक की तरफ बुलाया है, सच्चाई की दावत दी है, उनकी कौम ने उनको निकाल करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये हिजरत कोई आसान काम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हिजरत सुन्नत है अंबिया, तमाम नबियों की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तमाम मनसूबाबंदी भी आपने फरमा ली। कब निकला जाए, किस तरह निकला जाए, रास्ते में कौन से खतरात होंगे, उनका इजाला कैसे किया जाए, रास्ते में ग़िज़ा खाने पीने का इंतजाम कैसे किया जाए, रास्ता जानने के लिए किसी राहगीर की जरूरत पड़ेगी, उसका भी मुकम्मल तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंसूबाबंदी कर ली। और कुरैश की कुफार की जो अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं, उसे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दे दिया और कहा कि तुम अहले मक्का की जो इबानतें हैं उनको तुम वापस कर देना। आप चाहते तो उनकी अमानतें वापस नहीं करते, ये तो हमें कत्ल करने वाले हैं, हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मगर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ऐ मेरा रसूल, फइन्नहुम ला युकद्दिबूनक वलाकिन अज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। ऐ रसूल, ये आपको नहीं झुठलाते, ये जालिम तो अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं। आपकी तो तारीफ कर रहे हैं, आपके हुस्न की तारीफ करेंगे, आपके अखलाक की तारीफ करेंगे, आपके सिद्क़ो अमानत की तारीफ करेंगे, आपकी सारी खूबियों और कमालात की तारीफ करते हैं। मगर जब आपकी लाई हुई शरीयत की बात आती है, आपकी पेश करता तौहीद की बात आती है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मफहूम की बात आती है, इनकार कर बैठते हैं। क्या आज ऐसा नहीं है? आज बहुत सारे मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की तारीफ करेंगे, उनके जुल्फों की तारीफ करेंगे, उनके रुखे ज़ेबा का तस्करा करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक एक लम्हात की तारीफ करेंगे। मगर जब रसूलुल्लाह की पेश करदा तालीम उनके सामने पेश की जाती है, आपकी लाई हुई शरीयत उनके सामने पेश की जाती है, तो फिर पेशानियों पर शिकने पड़ने लगती हैं, पसीने आने लगते हैं। और जिस तरह मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ठुकरा दिया करते थे, आज के बहुत सारे मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ठुकरा देते हैं। आपने कहा है अली, कुफारे मक्का की ये अमानतें हैं, तुम मेरे बिस्तर पर जो मेरी यमनी चादर जो सब्ज रंग की है इसको ओढ़ करके सो जाना, कुफार तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। सुबह होगी तो इनकी अमानतें इनको वापस कर देना। हजरत जान का खतरा है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म पर बेदरेग आपके बिस्तर पर लेट गए। उन्हें मालूम था कि रसूलुल्लाह जो कहते हैं वो सच होता है, हक होता है। आपने कह दिया कुफ्फार कुछ नहीं कर सकते, तो कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता मुझे। रसूलुल्लाह की बहुत सारी तालीमात आज हमारे सामने हैं कि मुसलमानों ये करो, मुसलमानों वो करो, मगर आज हमें यकीन नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर, ईमान नहीं है आज हमें अल्लाह की बातों पर, और हम वही करते हैं जो हमारा दिल चाहता है। टटोलो अपने ईमान को, झांको अपने गिरेबान के अंदर, और सहाबे किराम की जिंदगियों और अपनी जिंदगी का मुआवजना करके देखो। मुशरिकीन मक्का दारुल नदवा के अंदर मशवरा कर रहे हैं, आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। जुमेरात का दिन है, दोपहर का वक्त है, अल्लाह ताला ने अपने रसूल के पास जिब्रील अमीन को भेजा और उनकी साजिशों का के बारे में बयान किया और हिजरत की इजाजत दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ी दोपहर के अंदर अपने घर से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ तशरीफ लाए। जबकि खड़ी दोपहर में अरब के यहाँ मामूल होता था कि वो घर से नहीं निकला करते थे। सही बुखारी की रिवायत हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना, चाहे सुबह में या शाम में, रोजाना एक मरतबा जरूर हमारे घर तशरीफ लाया करते थे। उस दिन हमने क्या देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ी दोपहर के अंदर अपने चेहरे पर कपड़ा लपेटे हुए तशरीफ ला रहे हैं। अबू बकर ने देखा तो कहने लगे कि जरूर कोई अहम मामला है जिसकी वजह से रसूल इस वक्त तशरीफ ला रहे हैं। आप आए और खा के आए, अबू बकर घर में जो लोग हैं उनको सब निकाल करके बाहर कर दो। कहा, अल्लाह के रसूल मेरी दो बेटियां हैं, मेरे घर वाले हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। कहा, ए अबू बकर, अल्लाह ने मुझे हिजरत की इजाजत दे दी है। अबू बकर ने कहा, अल्लाह के रसूल मैं भी। कहा, हाँ तुम भी मेरे साथ हो। यह सुनना था कि अबू बकर मारे खुशी के रोने लगे। आयशा कहती हैं कि मुझे उस दिन ये मामला, ये मसला मालूम हुआ कि खुशी के भी आंसू होते हैं, खुश होकर के भी आदमी के आंसू से आंसू निकल जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसी वक्त निकल गए और फिर रात में दोबारा तशरीफ लाए और उसी रात में हजरत अबू बकर के घर के पीछे के रास्ते से निकल गए और जा करके गारे सौर में पहुंचे। मुशरिकीन मक्का को जब मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह और हजरत अबू बकर निकल गए हैं, मक्का से निकलने वाले तमाम रास्तों के ऊपर अपने घुड़सवार को दौड़ा दिया। मदीना मुनव्वरा या मक्का से शमाल की तरफ पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बिल्कुल मुखालिफ जुनूब की तरफ निकले। निकलने से पहले वो सारे एहतियातात और तवक्कुआत आपने पहले ही मुकम्मल मनसूबाबंदी कर ली थी। ऊँटियाँ कौन ला करके देखा, खाना कौन पेश करेगा। हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हा ये टिफिन में खाना ले जाया करती थी। आमिर बिन अबी फुहैरा जो आपके गुलाम थे, ये बकरियां चराया करते थे। ये जो है शाम के वक्त जो है बकरियां ले जा करके वहां पहुंचा देते और उसके दूध से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर पी लिया करते थे। कितने खतरात थे हिजरत के और किस तरह रसूलुल्लाह और सहाबा किराम ने। वक्त ज़्यादा हो रहा है, हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह फिर इसी मौजू पर होगी। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम की इन कुर्बानियों को याद करके उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें सच्ची समझ और अच्छे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु लकुम मा तस्मऊन व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।